Hi guys, welcome back to my channel. Hope you guys doing well. So आज है 10th of August, तो कल से लाइक वॉइस से आपको पता चल रहा होगा कि तबीयत ठीक नहीं है. येस, और मैं ऐसे चंपू होके बैठी हूँ क्योंकि तो 9th of August मतलब कल से मुझे थोड़ा सा सर्दी हो रखा है, तो या इसलिए मैं ऐसे बोल रही हूँ. तो कल तो बहुत ही लाइक बहुत ही बुरा फील हो रहा था, लाइक ऐसे जैसे पेशेंट की तरह फील हो रहा था. तो आज सुबह मैं सोची कि क्यों ना मैं व्लॉगिंग स्टार्ट कर लूँ, तो थोड़ा सा प्रोडक्टिव फील होगा, एनर्जेटिक फील होगा, तो इसीलिए मैं व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ. आई डोंट नो कि मैं ये व्लॉग को कितनी देर तक मैं कंटिन्यू कर पाऊँ, आई डोंट हैव एनी आइडिया. तो देखते हैं क्या कब तक कर पाऊँगी, वरना मैं कल तक भी एक्सटेंड कर सकती हूँ, वैसा कुछ नहीं है. सर्दी की वजह से तो मम्मी बोली कि थोड़ा सा ऑयल अप्लाई कर लो, हेड मसाज वगैरह भी उन्होंने कल दे दिया है, तो ऐसा कुछ हाल है. मैं थोड़ा सा ऑयल ही अप्लाई किया हुआ है, ज़्यादा नहीं. या मेन टेंशन ये है कि थर्सडे को यानी कि 12th of August को मेरा एक एग्ज़ाम है. पता नहीं मैं क्या करूँगी, देखते हैं क्या करते हैं क्या नहीं. तो या अभी मैं ऐसे उठ के थोड़ा सा गर्म पानी वगैरह वो सब लेके मैं अभी बैठी हुई हूँ, और मुझे लाइक मैंने जो मेडिसिन्स लिया हुआ है वो बहुत हाई पावर वाला है, तो हैवी डोज है, तो मुझे लाइक बहुत नींद आ रहा है. तो चलिए देखते हैं क्या करते हैं क्या नहीं. मैं मतलब ट्राई करूँगी ज़्यादा से ज़्यादा ब्लॉग करने के लिए, तो स्टे ट्यून गाइज, बाय. गाइज, तो आज है नेक्स्ट डे, और लाइक मैं थोड़ा सा बेटर फील भी कर रही हूँ, पर जो कोल्ड है वो ठीक नहीं हुआ है अभी तक, पर फिर भी मैं बेटर फील कर रही हूँ. मैं कल भी ये ड्रेस पहनी थी, तो पहले मैं फ्रेश हो जाती हूँ. ओके, वेट अ मिनट. तंदना, तो मैं फ्रेश हो चुकी हूँ और मैंने कपड़े भी चेंज कर लिया है, और मुझे थोड़ा सा अच्छा फील हो रहा है क्योंकि मैंने फ्रेश हो लिया है. तो या, और वो अंदर एग्ज़ाम दे रही है तो मैं बाहर आके बात कर रही हूँ. कल मैंने बहुत ट्राई किया कि व्लॉगिंग कंटिन्यू करने के लिए, पर मुझे थोड़ा सा ठीक नहीं लग रहा था, तो मैंने व्लॉगिंग नहीं किया. और मुझे पढ़ाई भी करनी थी क्योंकि कल है मेरा एग्ज़ाम, तो क्या कर सकते हैं. और मैंने लाइक दो तीन मूवीज़ भी देख लिए कल ऐसे बेड पे पड़े पड़े. पता नहीं कल के एग्ज़ाम में क्या होगा क्या नहीं. मेरी मैं एक फ्रेंड के साथ जाने वाली हूँ एग्ज़ाम के लिए, और या हमारा जो एग्ज़ाम सेंटर है घर से, मतलब हमारे घर से करीब 40 से 45 मिनट्स लग सकता है, मतलब 1 आवर के अंदर लग सकता है. तो मैं एक मेरे फ्रेंड के साथ जाने वाली हूँ, तो या वो मेरे साथ जाएगी क्योंकि हम दोनों का टाइमिंग सेम है. और या और बाहर बहुत ही ज़्यादा गर्मी है, एंड सॉरी गाइस अगर आपको मेरी जो वॉइस है अनोइंग लग रही है, तो बट क्या कर सकते हैं, अभी के लिए तो आपको ये वॉइस जलनी होगी कुछ दिन के लिए. He is Golu's friend, और उन लोगों का जो ग्रेजुएशन कम्प्लीट हो, मतलब एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है, तो वो फर्दर प्रिपरेशन के लिए जा रहा था बाहर, तो गोलू से मिलने आया था, और यहाँ पे वो दोनों डिनर कर रहे थे.
ମାନେ ଖାଇବାଟା କେମିତି ଲାଗିଲା ରିଭ୍ୟୁ ଦେ ବିହାରୀରେ ଭୋଜପୁରୀରେ ସରି आज के डिनर में ये रहा सैलेड और ये रहा चिली पनीर एंड मैं भूल ही गई कि वीडियो भी बनानी है आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी बाद में कभी वीडियो बनाना भूल गई हूँ ये रहा रोटी और ये रहा हमारा छोले और इसका जो रेसिपी है मैं ऑलरेडी मेरे चैनल में है तो मैं ज़रूर लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी ओहो क्या मस्त लग रहा है चलिए जल्दी से डिनर करते हैं तो ये है लिट्टी चोखा वाला जो लिट्टी होता है मैंने उसे एक बार वो आया था घर पे तो मैं बोली कि बिहार स्पेशल कुछ खिलाना तो लिट्टी चोखा एक बार टेस्ट करवाना तो वो जा रहा था तो आते टाइम वो लेके आया था और ये बहुत टेस्टी लगा था मुझे बहुत डिफरेंट टेस्ट कर रहा था बट बहुत ही टेस्टी था इज सो स्वीट कि जाते टाइम भी वो ला के टेस्ट करवा दिया तो चलिए डिनर करते हैं हे गाइस ओके तो मेन चीज़ ये है कि पता नहीं मतलब कल मैं एग्ज़ाम देने जा पाऊँगी या नहीं क्योंकि थोड़ा सा मतलब अभी तक थोड़ा सा मतलब ठीक फील नहीं हो रहा है पता नहीं मैं कल जा पाऊँगी कि नहीं देखते हैं अगर मैं गई तो व्लॉग को कंटिन्यू ऑब्वियसली रखूँगी एंड अगर नहीं गई तो मैं आपको बोलूँगी आपको पता ही चल जाएगा कि मैं जा रही हूँ कि नहीं ओके तो अभी के लिए गुड नाइट एवरीवन बाय स्वीट ड्रीम्स तो ये रहा मेरा एग्ज़ाम का सेंटर और ये रही मेरी फ्रेंड और यहाँ पे हमारा एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है तो हम घर लौट रहे थे जाते टाइम मैंने कुछ भी व्लॉगिंग नहीं कर पाई थी क्योंकि जल्दी जल्दी में लाइक एग्ज़ाम टेंशन में मैंने कुछ भी वीडियो नहीं बना पाई थी मैं इसीलिए मैं लौटते टाइम वीडियो बना रही हूँ सो गाइस एंजॉय कीजिए इतनी खुशी दे बे आमे खाए दे छोड़ो ए सर छोटू माँ आज तो कौन और क्या मिला है तुझे कौन एग्जाम देने गया था कौन मैं और तू बोलो गोलो बोलो गोलो 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 पिला मैंने
ফর্মটা একটু নুয়া জিনিস হবে কিনা হ্যাঁ কিন্তু ভালো লাগছে মাগালা যে तो लंच करने के बाद मेरी जो फ्रेंड है वो घर के लिए निकल चुकी थी और ये शाम का टाइम हो चुका है तो मैं चाय बना रही थी और ये रहा सोयाबीन चिली बनाने के लिए मैं कढ़ाई गरम कर रही हूँ और ये रहा बॉयल्ड सोयाबीन और ये प्याज टमेटो कैप्सिकम और कुछ चॉप्ड ग्रीन चिली जो कि मैं इससे ही बनाने वाली हूँ। तो यहाँ पे मैंने बॉयल सोयाबीन को थोड़ा सा फ्राई करने के लिए ऑयल गरम कर लिया है और हम अभी ये सोयाबीन को गोल्डन ब्राउन होने तक थोड़ी देर के लिए फ्राई करेंगे। ऐसे गोल्डन ब्राउन होने के बाद हमें अलग से एक प्लेट में निकाल लेंगे और उसी सेम कढ़ाई में हम डालेंगे और 2-3 टेबलस्पून रिफाइंड ऑयल और 4-5 लहसुन को हम ऐसे ग्रेट करके थोड़ी देर फ्राई कर लेंगे ऑयल में। फिर हम ऐड करेंगे चॉप्ड अनियंस और इसमें अगर आप ज़्यादा अनियंस ऐड करते हो तो बहुत ही अच्छा लगता है। यहाँ पे हम जो भी वेजिटेबल्स ऐड करेंगे उसको ज़्यादा हम पकाएंगे नहीं क्योंकि मतलब थोड़ा थोड़ा क्रंचीनेस जैसे मुंह में आएगा वैसा हमको करनी है, मतलब फ्राई उतनी देर तक फ्राई करनी है। तो मैंने यहाँ पे चिलीज़ ऐड कर लिया है और थोड़ी देर हमको पकानी है। उसके बाद हम ऐड करेंगे कैप्सिकम, आप चाहो तो येलो और रेड बेल पेपर्स भी ऐड कर सकते हो। तो थोड़ी देर फ्राई करने के बाद हम सब जो मसाले या फिर सॉसेस है वो ऐड करेंगे। ये ही थोड़ा सा कुटी हुई काली मिर्च और ज़ीरे का पाउडर और रेड चिली पाउडर, ये रहा टमेटो सॉस, विनेगर और सोया सॉस। इतना ही मैं एक इसी बोल में सारे के सारे जो मसाले और सॉसेस है इसे ऐसे मिला लूँगी और उसे डायरेक्टली पोर करूँगी कढ़ाई में। तो हम यहाँ पे सोयाबीन ऐड कर रहे हैं, थोड़ी देर के लिए हम इसे सौते कर लेंगे। इसके बाद हम ऐड करेंगे वो सॉस और मसाले का पेस्ट और उसे अच्छे से मिला लेंगे। और हमने बॉईल करते टाइम सोयाबीन में सॉल्ट डाला हुआ था तो आप सॉल्ट टेस्ट करके ही आप सॉल्ट ऐड कीजिएगा और लास्ट में ऐड करने से होगा। और मैंने यहाँ पे चॉप्ड टमेटोज भी ऐड कर लिया है। फिर मैंने यहाँ पे थोड़ा सा सॉल्ट ऐड किया है। तो ये रहा हमारा सोयाबीन चिली जो कि बहुत ही यमी है और बहुत ही बनाना इजी है, जैसे कि हम चिली पनीर वगैरह बनाते हैं। तो ये थोड़ा सा ड्राई है, आप अगर चाहो तो ग्रेवी वाला भी बना सकते हो। That's it for today's video guys, hope you like this video. So yeah guys, if you like this video please give it a big thumbs up and please share with your friends, family members, relatives and please do comment down below ki aapko ye video kaisa laga. See you in my next video guys. तो या गाइस घर पे रहिए ऐसा तो नहीं बोलूँगी क्योंकि अनलॉक प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है एंड फिर भी थर्ड वेव आना बाकी है हमारे एरिया में। तो प्लीज़ गाइस उसका ध्यान रखते हुए अगर आपको कुछ अर्जेंट काम वगैरह हैं तो उसी सिचुएशन में घर से निकलिए वरना ना निकले। दैट्स इट गाइस, सो अपना खुद का ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। Yeah guys, love you all. Bye.